सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है सर, आप देख रहे हैं आपका और हमारा चैनल बाइकोपीडिया। और आज क्या है, फ्राइडे है। हाँ, आज फ्राइडे है और आज हम लोग जा रहे हैं हिमांशु का बाइक को सर्विस कराने जा रहे हैं। हाँ तो फिर कुछ तो कराने जा रहे हैं जो कि हम लोग को भी नहीं पता है। क्या हुआ है कि वो पॉल्यूशन बनाने गया था, तो पॉल्यूशन वाला बना तो दिया उसका पॉल्यूशन, लेकिन बोला है कि बाइक को सर्विस करा लो, कार्बन बहुत ज़्यादा हो गया है और तेल बहुत खा रहा है। चलाना है इस बंदे को इस स्पीड में, एक तो 110 सीसी का बाइक को बंदा ये 60-70 पे लेके जाएगा, बोलेगा भाई तेल बहुत ज़्यादा खा रहा है, सर्विसिंग में दिखाना है। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक को इसके सर्विसिंग में देने। एक्चुअल सर्विसिंग नहीं, मेनली हम लोग इसको लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए कि क्यों ट्यूनिंग कराने लेके जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं उत्तरपाड़ा। हिमांशु मेरे को बोला था कि तेरा भी बाइक ले लेते हैं, कि हम लोग जाएंगे ये वाला बाइक दे करके तेरा बाइक लेकर के आ जाएंगे। लेकिन मेरा बाइक चकाचक एकदम हम साफ सुथरा करके रखे हैं, तो ऑब्वियस बात है हम उसको गंदा करने के लिए नहीं निकालेंगे गाइस। हिमांशु थोड़ा सा ऑफेंड हो गया उस चीज़ को लेके कि अगर आते समय हो सकता है उसको पैदल आना पड़े। तो चलो देखते हैं कि अगर हो जाएगा, कि अगर संग संग ठीक हो जाता है आधा एक घंटा में, तो हम लोग रुक करके करवा लेंगे। तो अपन लोग हेलमेट वगैरह भी पहन चुके हैं, क्योंकि इफ बाय एनी चांस अगर हमें को पुलिस पकड़ लेता है तो फाइन हिमांशु शर्मा को देना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी ऑफेंडेड है क्योंकि हम अपना बाइक नहीं लाए हैं। तो नहीं चाहते हैं कि बेचारा की गेड़ी पे फाइन लगे, ऑलरेडी अभी होगा खर्चा, तो और खर्चा ना हो इसीलिए हम हेलमेट पहन लिए हैं। क्योंकि हेलमेट लाए थे एक्चुअली पहनने के लिए, वो बस गली में थे तो ब्लॉक कर रहे थे, तो हेलमेट नहीं पहने थे। कल के असले हमें कितना बोले, कितना नंबर ले ले, 2:30 बजे आएगा, 2 तो बज ही गया, 1.5 घंटे 2:30 बजे आने का, खाने भी जाएगा ऐसे खेत है असले। तो आज के जदि असले कटा असले हमें 4:30 पर में। सो अभी दुकान में जो भी बंदा सर्विसिंग या ट्यूनिंग वगैरह करता है वो अभी राइट नाउ है नहीं, वो कहीं गया है काम से, और वो आएगा अराउंड 2:30 पे, उसके बाद वो जाएगा खाने के लिए। तो अंकल बोले हैं कि 4:30 या 5 बजे तक आने, और ये बंदे को ज़्यादा सब्र है नहीं, तो ये बंदा बोलता है कहीं और जाके कराएंगे। मतलब अंकल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कितना बड़ा दगाबाज है, ये देख रहे हो कितना बड़ा दगाबाज है, आपके पास आया आप बोले खाली 2 घंटा बाद आने, इतना भी सब्र नहीं है इस बंदे के पास, इतना भी। मतलब कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। ये रहा उत्तरपाड़ा का गीच, इसको हम लोग क्रॉस करके अब जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे कहीं और सर्विसिंग कराने, जो कि दावनागाछी बेलूर साइड में है, और उसके बाद देखते हैं शायद जिदान से मिलेंगे। जिदान से आप लोग मिले हुए हो पहले ऑलरेडी सेंट जॉन चर्च वाले वीडियो में और संडे राइड्स वाले वीडियो में, तो चलो मिलेंगे। तो बाली से उतर के ऐसे बेलूर साइड, तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा लाइन 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 है, तो थोड़ा देख के संभल के चलाओ, क्योंकि एक दिन रात को हम आ रहे थे तो स्पीड में थे, स्पीड में नहीं ऑब्वियस सब आते टर्न ले लेते तो स्पीड में नहीं होगा, 40 स्पीड में नहीं थे ये, स्पीड में कभी चलाते ही नहीं है। नहीं, मेरा गाड़ी स्पीड नहीं होता है, मेरा गाड़ी स्लो एंड स्टेडी जाता है। 70-80 स्पीड ही नहीं होता बेचारा का, 70-80 इज नॉट अ हाई स्पीड गाइस, वट एवर। ये सब हेटर्स है, हेटर्स। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि हम आ रहे थे, ज़्यादा खास भीड़ में सच में नहीं थे क्योंकि टर्निंग था, लेकिन गिरते गिरते बचे हैं फिर भी 30-40 की स्पीड में। तो ये सब चीज़ यार करता है ना, ये लोग को रात में ठीक कर देना चाहिए, वहाँ तो ठीक कर दिया, वहाँ यहाँ पर भी ठीक कर देना चाहिए। फिर अभी तुम एक बार में नहीं ठीक कर पा रहा है एक बार में, तो अभी एक बार में करो भी मत गड्ढा, बाद में कर लेना गड्ढा, मतलब लाइन लाइन ये जो किया है। और ये जो बेसिकली करता है ये लोग, ये इसलिए करता है ताकि इसके ऊपर जब ये लोग रोड बनाए अच्छे से, तो वो पकड़ अच्छे से ग्रिप रहे इसके ऊपर, सीमेंट या फिर कुछ भी गिट्टी विट्टी देगा उसके लिए। क्या ये इसको पकड़ो ना, देखो उसे कैसा है, गर्म है ना अबे खराब, गंदा हो गया, देख रहे पूरा नया चीज ब्लैक है ऊपर से, इसलिए जल गया। अबे ब्लैक का मतलब क्या होता है ना, कि तेल ऊपर टांगने लग गया। अब पकड़ो ना, क्या है, गरम गरम, मतलब ठंडा में गरम गरम तो चीज सही होता है, दे कुछ और गरम दे। नहीं हमें नहीं चाहिए, कैसी अपमानजनक बातें करा लोटा, ये असली है ये लोंडा। तुम ही আমাদের কাছে শুধু ভালো অফার দাও, আমরা তোমার কাছে আসি, তো তৈয়ার কি করছিস না, অফার না কেয়া তুই কইছিস ফ্রি দিয়ে দেখেন, ফ্রি মে নাই বল রে, অফার মতলব ইন দ্য সেন্স ইতনা সারা গাড়ি লেকার কে আয়েঙ্গে, তিনটে তো আমাদেরই আছে, বাকি আলাদা আরো এনে দেব। আরে যে কাম করানা পেলে ও করা, আরে A few moments later. तो इंसान फंसेगा ही फंसेगा, कोई ऑप्शन है, एक बार में कोई भी काम तेरे संग गए ऑनलाइन था उत्तर पड़ा तेरे पास रखा, मेरा गलती है। देखो अब सब का फिर से प्रयोग यहाँ कर दिया हिमांशु, अरे यार हेलमेट, अब कौन हेलमेट उतारेगा, यहाँ हिमांशु कर दिया एक सीन,
वो अंकल का साफ साफ पता है कि वो अंकल पेटीएम नहीं लेते हैं, गूगल पे नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते, फोन पे वगैरह कुछ नहीं लेते उनका। इनफैक्ट सामने सामने बोर्ड लगा हुआ है उनके वहाँ पे कि वो ये सब चीज़ पेमेंट्स वगैरह नहीं लेते, फिर भी ये बंदा गाड़ी उठा के उनके पास पहुँच गया। सब करवाने के बाद मेरे को बोलता है, भाई हम तो भूल ही गए कि मेरे पास कैश नहीं है। कितना लेगा वो भी बोला? 200 रुपया तक वो लेगा, वो इंसान बोल दिया 200 रुपया तक लेगा, पहले ही बोला। ठीक है, वो वहाँ पर पता है इसको कि वहाँ पे पेमेंट नहीं देता, क्योंकि कई बार गया हुआ ऑलरेडी वहाँ पे। अब बोलता है कि कैश नहीं है भाई, और कैश नहीं है, चलो ठीक है कैश नहीं है तो क्या होगा, हम लोग कैसे एटीएम होगा, पीछे एक्सिस बैंक का एटीएम है, हम लोग वहाँ से कैश निकाल लेते। लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक्सिस बैंक का कार्ड तो इसके पास है नहीं, ना एसबीआई का कार्ड है, ये बंदा को योनो से पैसा निकालना है। मतलब कितना नेक्स्ट लेवल तक इंसान ये हो सकता है ना, मतलब फालतू गिरी एकदम। अभी यही हम अपना गाड़ी लेके होता तो मेरा गाड़ी का तेल जल रहा होता, अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं हेलमेट पहन के, खुद तो मॉड्यूलर हेलमेट पहनता है, चटाक चटाक से खोल देता है, हमको पूरा खोलना पड़ता है, अंदर माइक वाइक पूरा सेटअप है। नहीं मिला तो हेलमेट लेके जाना पैदल पैदल, बाइक रहने देना अंकल के पास। वो अंकल भी कम नहीं है, वो अंकल को बोल रहे हैं कि अंकल आप फ़ोन रख लीजिए, नहीं तो एक काम करिए कि हमको रख लीजिए, ये जा करके पैसे लेकर। अंकल गाड़ी का ढक्कन खोल, ढक्कन खोल दिया, बोलता गाड़ी लेके जाओ। मतलब ढक्कन रख लेने से क्या हो जाएगा, ढक्कन हम लोग नया नहीं लगा सकते, हम लोग 15-20 हज़ार का फ़ोन दे रहे हैं उनको कि आप फ़ोन रख लीजिए, हम लोग पैसा निकाल के लाएंगे तब आप फ़ोन रिटर्न दे दीजिएगा। बोल रहे हैं ढक्कन खोल दिया, बोलते ढक्कन छोड़ के चल जाओ, बाइक लेके चल जाओ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दिखा मुंह दिखा, अब अंकल को ना अपने आप को गिरवी रख देगा ना तो भी उते को नहीं देगा भाई। चलेंगे बेलूगर चलेंगे, क्या बोलेगा, बोलेगा ढक्कन रख के जाओ बाइक लेके जाओ। अभी जिदान को फोन किया गया है कि जिदान आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। चलो उठाया फोन, सो रहा है जिदान अभी, 2 बजे सो रहा है, उसका शादी है। अबे सोता है वो दोपहर में, देखते हैं जिदान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेट्स सी। नहीं, अभी बोल रहे थे जिदान अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, अभी देखते हैं जिदान के नाम पे क्या रिप्लाई निकलता है, कि जिदान कैसा लड़का है, कैसे निकलवाने आए बेलू मठ, वापस जाना है। व्लॉग में देख लेना, बात मत सुनो इतना, व्लॉग आएगा व्लॉग देख लेगा। जिसमें जो लोग बेलूर में रहता है, क्योंकि मोस्टली मेरा व्यूअर्स बेलूर से ही है, तो उन लोगों को पता है कि हम लोग कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं अभी राइट नाउ। हम लोग दावनागची में थे जहाँ पे हम लोग अपना बाइक सर्विसिंग कहाँ गया, दावनागची में थे हम लोग जहाँ पे अपना बाइक सर्विसिंग कर रहे थे, और ये बंदा बेलूर मठ तक लेके जा रहा है मेरे को पैदल, वो भी बाइक होते, ये मतलब ये बाइक होते हुए पता है टोटो में जा रहे हैं, इसी तो थर्ड टाइम टोटो में बाइक होते हुए जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। एक बार अनुराग के संग गए थे जब पार्किंग नहीं मिला था, कल हम गए थे जब मेरा बाइक सर्विसिंग में दिया हुआ था तब हम भी टोटो में गए थे, आज इसके संग आए हैं, इसके संग भी हमको टोटो में जाना पड़ रहा है बाइक होते हुए। होता होता दावनागची से बेलूर मठ तक पैदल लेकर के आया, अभी बेलूर मठ से दावनागची फाइनली टोटो में जा रहे हैं। और क्या होता है, बड़ा लोग बैठते तो बड़ा लोग के सामने क्या गेट खुला है, बच्चे लोग बैठते तो बच्चे लोग के सामने गेट बंद है ताकि बच्चे लोग गिरे नहीं। तो हम लोग का ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, गाड़ी का डन। टाइम कितना हो रहा है छोड़ो, टाइम वगैरह नहीं पता क्योंकि मानसो के गाड़ी में टाइम वगैरह नहीं लिखा हुआ था। और अभी हम लोग जा रहे हैं जिदान से मिलने, उसके बाद हम लोग जाएंगे गाड़ी वॉश कराने। गाड़ी वॉश कराने जिदान को लेके जा सकते हैं? नहीं नहीं लेके जा सकते क्योंकि पुलिस मामा उधर रहता है, चलान कट जाएगा अपना, तो जिदान को नहीं लेके जाएंगे, खाली हम और ये जाएंगे गाड़ी वॉश कराने। गाड़ी जहाँ वॉश कराएंगे उसका आपको लोकेशन दे देंगे, काफ़ी सही दाम में गाड़ी वहाँ पे वॉश होता है। इसके जैसा जो नवाब लोग हैं वो लोग कराता है कहीं और से, हाउएवर हम वहीं से कराते हैं, आपको लोकेशन दे देंगे, सब चीज़ दे देंगे। चलो मिलते हैं फटाक से जिदान के पास। ये बोले ना हेटर है एक नंबर का, मेरा एक नंबर का हेटर है, मतलब जितना हेटर लोग हेट नहीं करते उससे ज़्यादा ये हेट करता है साला। सेल्फी स्टिक खरीद ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले। हमारा फूफा जी का दुकान है वो अमेजोन, वो खाली नाम का है कि अपनी दुकान अपनी दुकान, फ्री में कुछ नहीं मिलता उसमें। अरे उसके लिए खटे हैं ऑफिस में तब जाके कूपन मिला है, फ्री का जूता अमेजोन नहीं दिया मेरे को। क्या ब्लैक ब्लैक ओ, हमको लगा कुछ और चीज का बात कर रहा है, नौची बॉय। हाई आरपीएम पे जब उठा दे तभी पता चल जाता है हाई आरपीएम, कितना आरपीएम तक जाता है ये?
हाई आरपीएम जो तू बोल रहा है इसमें रेव करते थे। हाँ हाई आरपीएम तो ऐसे बोल रहे जैसे बीएमडब्ल्यू एस 1000 आर ले लिया है। हाई आरपीएम ज्ञान। तो अभी हम लोग का बाइक का हो चुका है ट्यूनिंग वगैरह सेट, ये भी चेंज हो गया है स्पार्क प्लग, और गाड़ी हो गया है काफ़ी गंदा जो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है ना मेहनत नहीं होता, थोड़ा सा भी गाड़ी को साफ वाफ या फिर थोड़ा सा भी गाड़ी को घर में धोना वगैरह इससे मेहनत नहीं होता। तो हम लोग जा रहे हैं गाड़ी को वॉश कराने, और वॉश कराने भी ये लेके जा रहा था कहीं और जहाँ बेसी पैसा लगता है, क्या ना बोले ना मेहनत नहीं होता पैसा बहुत। तो बस हम इसको कहीं और लेके जा रहे हैं जिसका लोकेशन हम आप लोग को भी दे रहे हैं, जो कि काफ़ी सस्ता में गाड़ी वॉश होता है। अभी आ रहे इसदान, ऊपर इसदान से मिलेंगे उसके बाद जाएंगे, देखते हैं अगर पॉसिबल तो इसदान को ले जाएंगे। इसदान तुम्हारी हैंडसम बॉय इन द हाउस। तो बहुत दिनों बाद इसदान हमारे व्लॉग में। इसदान कैसे हो बता दो सर। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने तो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया गाइस को। अरे यार बात करवाइए जान, एक बार हमारे चैनल का व्यूअर्स को बताओ तुम कैसे हो जान। एक बार मैं क्या बताऊं, जैसे ही मानसू का सो अभी हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं। ये लोग इतना गंदा है, मतलब जो इंसान बाइक वगैरह को लेकर के व्लॉग बनाता है उसी के संग ट्रिपलिंग कर रहा है, और हम अकेला हेलमेट पहन के हैं। ये लोग ये बिना हेलमेट का, हेलमेट को यहाँ एल्बो में लगा के रखा है। हाँ यहाँ यहाँ हाँ यहाँ 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 लगा के रखा है। देखो वाइट सॉस स्पेगेटी पता है क्या होता है? नहीं। वाइट सॉस स्पेगेटी कितना अच्छा डिश होता है, तो ये सब चीज़ खाया नहीं है, खाया का समझा? वाइट सॉस पास्ता एक बार खाया था। हमसे नहीं पूछेगा, नहीं नहीं तू देखो पूछ रहे। अबे नहीं, पास्ता का एक वर्जन होता है स्पेगेटी, खाएगा बहुत अच्छा चीज़ होता है वाइट सॉस स्पेगेटी, ब्रोकली ब्रोकली मशरूम वगैरह डाल करके बनता है, खाएगा बहुत अच्छा होता है। खाया नहीं सब चीज़, अच्छा अच्छा चीज़ खाएगा, हम खाया रिसेंट में खाया हम, बहुत अच्छा था, ठीक है खाएगा, वाई नॉट। सो अभी बज रहे हैं करीब करीब 4:30-5, और हम लोग जा रहे हैं हिमांशु के घर, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे गाड़ी वॉश कराने। हाउएवर हिमांशु, वेट अ मिनट, ये क्या है? मना कर दिया जाने से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हिमांशु के घर पे, और वहाँ जा कर के गाड़ी धुलेगा, और अभी फ़िलहाल तो है GoPro में चार्ज, और जहाँ से अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं काफ़ी अच्छा व्यू है, आपको एक बार दिखाते हैं। पीछे एक काफ़ी अच्छा व्यू था, बोले हिमांशु को जाने के लिए लेकिन गया नहीं, हरामी बहुत है ना एक नंबर का। क्यों जाए भाई, जब तेरे को मन है तो तू जा, तेरा हम बोले चल, हम बोले ठीक है चलो बाइक लेके जाते हैं, मतलब बाइक लेके नहीं जाते, बाइक पंचर हो जाएगा तो हम नहीं पंचर ठीक कराएंगे। मिडिल स्टैंड पर, हाँ मिडिल स्टैंड बोला गाड़ी, अभी वो गाड़ी धुलेगा। इतना जुगाड़ लगाए हैं, अगर हिमांशु की बिल्डिंग से कोई देख रहे हो तो देख लेना, ये जो कपड़ा है ये दूसरे के गाड़ी से निकाले हैं, ये पाइप है, ये पाइप इस मोटा पाइप के संग जान गया था, तो इसके अंदर एक पाइप डाला हुआ है, उसके बाद ये पाइप इससे कनेक्टेड है। चलो स्टार्ट करते हैं। और यार दामा यहाँ पे हमारे लेबर साहब बाइक को पिया गया है, हमारी बाइक देते हुए। बाइक किसी और का, धोना किसी और को पड़ रहा है। क्या हुआ फिर तुमको इतना देर उसे लेके क्यों आए थे? एकदम चकाचक क्या जुगाड़ किया गया यहाँ पे, ये देखिए। अरे तुम्हारा ऑडियंस देख रहा है, दो तीन लोगों का कपड़ा वपड़ा चोरी कर कर आकर ये सब हुआ। ये आदमी है जिसने कपड़ा चोरी किया, इसे देखिए बाइक कैसे घुमा रहे हैं। दिस इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस बाइक, कितना चमका दिए हम कसम से। मतलब कहाँ हम इसको 150 रुपये में ये धो रहा था, हम इसको 30 रुपये में गाड़ी धुलाए उसमें नहीं धुला, कितना बड़ा सियाना बोलता है भाई क्या है 150 रुपये दे देंगे, और अभी फ्री में मेरे से गाड़ी धुलाया, 30 रुपये भी नहीं लगा इसका, मतलब मारवाड़ी ब्रेन। गाड़ी एकदम चमक चुका है, अभी ऊपर जाएंगे इस, अभी कॉफ़ी के लाएंगे, बड़ा कॉफ़ी नहीं मिला तो। ये रही ये साइकिल ले जाएगा, ये वाला साइकिल आज हम सोच रहे हैं ले जाएंगे।
गाड़ी धो के कुछ अलग ही फील आता है खुद से गाड़ी धोने में, क्योंकि क्या है ना खुद से गाड़ी धोने में क्या है कि एक तो वो बिफोर आफ्टर का सेटिस्फेक्शन, और ऊपर से दूसरा चीज क्या है ना कि खुद का गाड़ी को छूने से समझ में आता है। और क्या है कि खुद का गाड़ी को धोने से क्या समझ में आ जाता है कि मतलब कहाँ कुछ दिक्कत वक्त है, अगर लूज वूज रहता तो समझ में आ जाता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डिट लाइक बटन शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के संग। ऐसे ही मिलेंगे जल्द किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, राइट सेफ, बाय बाय।